जब मैं यहाँ आया तो मुझे काफी खुशी हुई कि एक छोटे से इलाके में एक जो बच्चा जो बाहर जाके इंजीनियरिंग करता है और करने के बाद एक अच्छी बेहतरीन जिंदगी जी सकता है, खुद के लिए अगर सोचे, सर्वाइव करने का सोचे, तो वो वहां पे रहकर विदेश भी जा सकता है और अच्छे रकम भी कमा सकता है, क्योंकि सलाहियत भरपूर है। हमने देखा है मसीहुज़्ज़मा के अंदर सलाहियत भरपूर है, लेकिन उन्होंने सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचा, उन्होंने ये सोचा कि अगर हम अपने गांव में जाकर के 1000 मसीहुज़्ज़मा बनाते हैं तो हो सकता आने वाले दौर में हमारे गांव का बच्चा भी डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, साइंटिस्ट बनेगा, टीचर बनेगा, प्राइवेट टीचर बनेगा, बड़े बड़े इंटरप्राइजेस का मालिक बनेगा, सीईओ बनेगा, सारा कुछ बनेगा। उन्होंने इस सोच को लेकर वापस यहाँ किशनगंज आए और आने के बाद एक इदारा कायम किया और आज उनका मेहनत है, उनकी देन है, इस इदारे में बहुत सारे बच्चे इल्म से फैजयाब हो रहे हैं। मैं बधाई देना चाहूंगा इंजीनियर मसीहुज़्ज़मा भाई को। आप लोग सभी को जानते हैं आज का जो दिन है वो बहुत ही खास दिन है। आज ही के दिन भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित नेहरू का जन्म हुआ था। हम लोग सभी को ही जानते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, और इसी जन्म दिवस को उनकी स्मृति में, उनके याद में हम लोग आज शिक्षक ये चिल्ड्रन डे के रूप में मनाते हैं। आपको पता होना चाहिए केवल 1964 के बाद से चिल्ड्रन डे नहीं मनाया जाता है, बाल दिवस नहीं मनाया जाता है, बल्कि बाल दिवस माली बन के शिक्षक सवारते हैं, सजाते हैं, वही काम इंजीनियर मसीहुज़्ज़मा कर रहे हैं। मैं मुबारकबाद पेश करना चाहूंगा, क्योंकि मैं खुद एक पेशे से एक शिक्षक हूं और विगत 10 वर्षों से मैं टारगेट बायोलॉजी क्लासेस में बायोलॉजी पढ़ा रहा हूं और काफी बच्चों ने वहां पर से तालीम हासिल की है। और हमारा ये इत्तेफाक रहा कि मसीहुज़्ज़मा से कुछ दिन पहले मुलाकात हुई और उन्होंने कहा कि आप हमारे प्रोग्राम में आए और कुछ बच्चों से मुखातिब हो, बच्चों को कुछ गाइडलाइन दे, कुछ मोटिवेशन दे। मैं बस एक ही बात कहना चाहूंगा, क्योंकि वक्त का नजाकत है, समय कम है हमारे पास, तो हम कहना चाहेंगे कि आप जितने भी बच्चे हैं, आपको जो भी मन में आहत किया है, जो भी बनने का, आप बनो, और वहां अगर कोई बाधा आती है तो आप अपने अभिभावक, अपने टीचर, अपने गार्जियन से सलाह लो। लेकिन एक बात जान लो कि कुछ ऐसे भी बच्चे होते हैं जिनको हर तरह से रोका जाता है, उनको बढ़ने से रोका जाता है। मैं कहना चाहूंगा कि अगर आपका डिसीजन सही है, आप अपने आप में सही मानते हो खुद को, आपका दिल सही कहता है, तो आप अपने पागलपन को जारी रखो, वही पागलपन आपको आगे मंजिल तक लेके जाएगा। क्योंकि जब राइट ब्रदर्स ने कहा था कि हम लोग हवा में उड़ सकते हैं, मैक्स प्लैंक ने कहा था कि हम लोग क्वांटम को देख सकते हैं, और भी दिगर वैज्ञानिक ने कहा था गुरुत्वाकर्षण के कारण कोई भी पिंड हमारी ओर आता है, पृथ्वी की ओर आता है, तो लोगों ने उन्हें पागल कहा था। घबराइए मत, आज वही पागल की देन है कि आप हवा में भी उड़ते हैं। तो बहुत बार ऐसा होता है हम अपने बच्चों की सलाहियत को समझ नहीं पाते हैं। हमारे हाथों में 5 उंगली होती है, हम एक ही जैसे सारे उंगली से काम नहीं ले सकते हैं। हमारे बच्चे भी अलग अलग उंगलियों के भाती होते हैं, सब में अलग अलग सलाहियत होती है। ये शिक्षक का काम होता है सलाहियत को पहचान कर उनके अंदर जागरूकता लाना और उनको उनके मंजिल तक पहुंचाना। बस इतना ही बात कहकर मैं आपसे विदा लेना चाहूंगा, टाइम बहुत हो चुका, बहुत बहुत शुक्रिया।